हेलो दोस्तों, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास पार्ट टू का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं डेटा फ्रेम ऑपरेशंस, जिसमें हम लोग एग्रीगेशन देखेंगे, ग्रुप बाय देखेंगे, सॉर्टिंग देखेंगे, कैसे हम लोग इंडेक्स को डिलीट करेंगे, रीनेम करेंगे, पाइवटिंग करेंगे, ये सारे ऑपरेशंस को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्रीगेशन फंक्शन। एग्रीगेशन फंक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं ए डबल जी यूज किया जाता है एग्रीगेशन फंक्शन के लिए। तो एग्रीगेशन फंक्शन का क्या काम है कि ये जितने भी फंक्शंस होते हैं, जैसे सम है, मीन है, मैक्स है, मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है या वेरिएंस का फंक्शन है, इनको आप जो है एक ही डेटा फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको इसका सम भी देखना है, मीन भी देखना है, मैक्स भी देखना है और फिर आपको इसका मेडियन भी निकालना है। तो ये सारे काम अगर आपको एक साथ करने हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एग्रीगेशन फंक्शन और उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ए डबल जी। तो इसका फायदा ये है कि इन सारे फंक्शन को आप एक साथ यूज कर सकते हैं और ये सब का रिजल्ट निकाल के आपको देगा। क्या होता है कि कई बार हमारे पास डेटा होता है और हमें कुछ डिसीजन लेना होता है या उसका एनालिसिस करना होता है, तो हमें उस पूरे डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मेडियन, मोड सारे चीज निकालने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीगेशन फंक्शन से एक साथ आप सारा चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको रन करके। तो यहाँ पर हम इसे रन करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पर रन किया तो यहाँ पर देखिए जो ए वाला डेटा है उसका सम 6 है, बी वाले डेटा का 15 है, सी वाले डेटा का 24 है। उसी तरह इन तीनों डेटा का मीन निकाल दिया, तीनों डेटा में मैक्स निकाल दिया, देखिए इसमें 3 मैक्स है, इसमें 6 है, इसमें 9 है और मीन निकाल दिया। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको एक साथ मिल गया केवल एक लाइन का फंक्शन लिखने से। तो ये बेनिफिट है एग्रीगेशन फंक्शन का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है ग्रुप बाई। हमने SQL में भी आपको ग्रुप बाई बताया था, तो जो SQL में हम लोग ग्रुप बाई यूज करते हैं बिल्कुल यहां पर उसी तरीके से यूज होता है। जैसे कोई डेटा है आपके पास और उस डेटा के एक पर्टिकुलर कॉलम में कुछ चीजें रिपीट हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो रिपीट हो रहे हैं उनके बेसिस पे कुछ आप ग्रुप करें, ठीक है। तो उसमें हम लोग यूज करते हैं ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय फंक्शन कैन बी यूज टू ग्रुप डेटा इन ए डेटा फ्रेम, ठीक है, इन वन और मोर कॉलम। आफ्टर ग्रुपिंग यू कैन अप्लाई एन एग्रीगेशन फंक्शन। और SQL में भी हमने बताया था कि ग्रुप बाय के साथ एग्रीगेशन फंक्शन यूज होता है, उसी तरह यहां पर भी ग्रुप बाई के साथ आप एग्रीगेशन फंक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए एक डेटा फ्रेम है, उसमें नेम है और स्कोर है, ठीक है। नेम में देखिए एलाइस है, बॉब है, चार्ली है, एलाइस है, दोबारा एलाइस भी है, ठीक है। यहां पर मैं क्या करता हूं कि यहां पर एक नाम और ऐड कर देता हूं, ठीक है। बॉब को मैं और रिपीट कर देता हूं, ठीक है, और यहां पर मैं एक वैल्यू और दे देता हूं, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि एलाइस दो बार आ रहा है, बॉब दो बार आ रहा है, ठीक है, और दोनों का स्कोर भी है। यहां पर देखिए 80 एलाइस का, बॉब का 70 है, चार्ली का 90 है, एलाइस का अगेन 85 है और बॉब का 50 है। तो इस तरह से इनका स्कोर भी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेम के बेसिस पे ग्रुपिंग करना है क्योंकि एलाइस दो बार आ रहा है, ठीक है, बॉब दो बार आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपको ग्रुपिंग करना है और आपको देखना है कि इंडिविजुअल जो नेम है इनका जो स्कोर है कितना है टोटल, क्या इसका मीन है, क्या मैक्सिमम है, ये अगर आपको देखना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ग्रुपिंग करना होगा। तो जैसे आप ग्रुप करेंगे तो एलाइस वाले एक साथ आ जाएंगे, बॉब वाला एक साथ आ जाएगा, चार्ली अलग चला जाएगा क्योंकि चार्ली अकेले, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्रुप बाय। पर ग्रुप बाय हम लोग लिखेंगे कैसे, तो यहां पर आपको लिखना है df ग्रुप बाई, किसके बेसिस पे ग्रुपिंग करना है, तो हमको नेम के ऊपर ग्रुपिंग करना है। तो आपको लिखना है ग्रुप बाई नेम। अब इसके ऊपर आपको एग्रीगेशन फंक्शन भी लगाना है। हम चाहते हैं कि जैसे एलाइस दो बार आ रहा है, बॉब दो बार आ रहा है, तो एलाइस जो दो बार आ रहा है
उनका मीन स्कोर क्या है, उसका मैक्सिमम स्कोर क्या है, उसका मिनिमम स्कोर क्या है, वो हमको पता करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रुप बाई नेम लिखने के बाद यहाँ पर एग्रीगेशन फंक्शन लगाएंगे डॉट ए डबल जी। ठीक है, यहाँ पर पाइथन में एक फैसिलिटी है कि आप जो है डॉट डॉट लगा के बहुत सारे फंक्शंस लगा सकते हैं। तो पहले आपने ग्रुपिंग कर लिया, फिर डॉट लगा के आप एग्रीगेट फंक्शन लगा दो। ठीक है, किसके ऊपर एग्रीगेट फंक्शन लगाना है, स्कोर के ऊपर लगाना है। तो उसको उसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, डिक्शनरी यूज कर रहे हैं। तो स्कोर के ऊपर एग्रीगेशन फंक्शन लगाना है, कौन कौन सा एग्रीगेशन फंक्शन लगाना है, मीन, मैक्स और मिनिमम। ठीक है, ये तीन एग्रीगेशन फंक्शन लगाना है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो अब ये जो डेटा आएगा ये कहाँ स्टोर होगा, ये आपका इस डेटा फ्रेम में स्टोर होगा और फाइनली उसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर रन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट आ चुका है। एलाइस का मीन कितना है, 82.5। क्यों, देखिए यहाँ पर इसका 80 है, यहाँ पर 85 है, तो दोनों का एवरेज निकाल लीजिए तो 82.5 हो गया। मैक्सिमम 85 है, मिनिमम 80 है। बॉब का देखिए यहाँ पर 70 है और इधर मैंने 50 लिया था, तो 70-50 कितना हो गया, 120, उसका आधा कितना हो गया 60। तो यहाँ देखिए 60 आ रहा है, मैक्सिमम 70 है, मिनिमम 50 है। उसी तरह चार्ली का तो एक ही डेटा है तो जो है वही आ जाएगा 90-90-90। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि डेटा आपका पहले ग्रुप हो रहा है और उसके ऊपर एग्रीगेशन फंक्शन लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्रुप बाई को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ग्रुप बाई का एक एप्लीकेशन आपको और बताते हैं, जैसे सपोज डेट की डेजिनेशंस है। ठीक है, जैसे कोई मैनेजर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो आप क्या कर सकते हैं, डेजिनेशन के बेसिस पे सारे इम्प्लॉय का ग्रुपिंग कर सकते हैं और फिर उस पर सम फंक्शन लगा के आप पता कर सकते हैं कि सारे डॉक्टर्स को मिला के कितना सैलरी दिया जा रहा है, सारे इंजीनियर को मिला के कितनी सैलरी दी जा रही है, सारे मैनेजर्स को मिला के कितनी सैलरी दी जा रही है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं, या फिर डॉक्टर में मिनिमम सैलरी किसका है, मैक्सिमम किसका है, या फिर इंजीनियर में मिनिमम सैलरी किसका है, मैक्सिमम सैलरी किसका है, ये सब सारा इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं ग्रुप बाई का यूज करके। उसके बाद नेक्स्ट है सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग तो आपको पता है, जैसे डेटा को सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसी तरह डेटा फ्रेम के डेटा को भी आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, पर यहाँ पर उसके लिए फंक्शन यूज करना पड़ेगा सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। तो दिस फंक्शन कैन बी यूज टू सॉर्ट ए डेटा फ्रेम बाय वन और मोर कॉलम, एक या एक से ज्यादा कॉलम के बेसिस में आप सॉर्ट कर सकते हैं। यू कैन स्पेसिफाई असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर ईच कॉलम, और आप ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको असेंडिंग में जो है सॉर्टिंग करना है या फिर डिसेंडिंग में सॉर्टिंग करना है। क्लियर है, तो बहुत ही सिंपल। पहले आप डेटा फ्रेम बना लीजिए। तो यहाँ पर देखिए डेटा फ्रेम बना हुआ है, एलाइस बॉब चार्ली है, 80-70-90 का स्कोर है। ठीक है, अब इसको सपोज के सॉर्ट करना है तो हम लिखेंगे डेटा फ्रेम का नाम डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, आपने फंक्शन लिख लिया। अब किसके बेसिस पे सॉर्ट करना है, तो मुझे स्कोर के बेसिस पे सॉर्ट करना है, तो आपको लिखना होगा बाय इक्वल टू और फिर उस कॉलम का नाम। तो मैंने स्कोर दे दिया। ठीक है, ये भी पता चल गया कि किसके बेसिस पे सॉर्टिंग करना है। अब बात आता है कि असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स का मतलब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करना है। ठीक है, अदरवाइज आपको लिखते हैं असेंडिंग इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। तो यहाँ पर फाइनली हम इसको डिस्प्ले कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं रन करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ रहा है 90-80-70। तो सॉर्टिंग हो गया, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर इसे मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ट्रू। क्या लिख दूंगा, ट्रू। तो अब जैसे रन करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, 70 पहले आ रहा है, 80 बाद में, फिर 90 आ रहा है। तो इस तरीके से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं डिलीटिंग एंड रीनेमिंग इंडेक्स। इंडेक्स को कैसे आप डिलीट करेंगे और किस तरीके से इंडेक्स को रीनेम करेंगे। ठीक है, तो यू कैन डिलीट द इंडेक्स ऑफ ए डेटा फ्रेम यूजिंग रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स फंक्शन। तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है, रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स फंक्शन। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो रीनेम द इंडेक्स, आप रीनेम भी कर सकते हैं इंडेक्स को, पर उसके लिए आपको फंक्शन यूज करना है रीनेम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमने पांडास को इम्पोर्ट कर लिया। ठीक है,
उसके बाद ये डेटा फ्रेम बनाया, सेम डेटा फ्रेम है एलाइस बॉब चार्ली, ठीक है 80 70 90 है। यहाँ पर हमने इंडेक्स अपना खुद लगा दिया है 1 1 2 2 3 3, मतलब 1 1 इंडेक्स जो है वो एलाइस और 80 के लिए है, 2 2 इंडेक्स जो है वो बॉब और 70 के लिए है, 3 3 इंडेक्स जो है वो चार्ली और 90 के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो ये इस इंडेक्स के साथ प्रिंट होगा, पर अब हम चाहते हैं इस इंडेक्स को डिलीट करना, मुझे ये इंडेक्स नहीं चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा df इक्वल टू df डॉट रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स और ड्रॉप इक्वल टू ट्रू, क्योंकि मुझे क्या करना है इंडेक्स को डिलीट करना है। अब उसके बाद जब हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे तो आप देखिएगा कि 1 1 2 2 3 3 नहीं होके बाय डिफॉल्ट जो 0 1 2 होता है वो आपका आ जाएगा, है ना, वो आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फिर इसको रीनेम कर दे रहे हैं, रीनेम करके हम क्या कर रहे हैं, 0 को ए कर दे रहे हैं, 1 को बी कर दे रहे हैं, 2 को सी कर दे रहे हैं। तो इसके बाद जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारा इंडेक्स ऐसे आएगा ए बी सी। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं, तो ये हमने यहाँ पर रन किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका आउटपुट, थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका अगर आप आउटपुट देखेंगे तो ये मेरा ओरिजिनल इंडेक्स था 1 1 2 2 3 3, फिर मैंने क्या किया इंडेक्स को डिलीट कर दिया, ठीक है। कैसे हमने इंडेक्स को डिलीट किया, यहाँ पर इंडेक्स को हमने डिलीट किया यहाँ पर रीसेट इंडेक्स के थ्रू, और फिर हमने इसको डिस्प्ले किया। आप देख सकते हैं ये वाले इंडेक्स को जब हमने डिलीट कर दिया तो यहाँ पर नेक्स्ट टाइम जब डिस्प्ले किए तो ये इंडेक्स नहीं है, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स जो आ गया 0 1 2, तो ये जो डिस्प्ले कर रहा है वो 0 1 2 डिस्प्ले कर रहा है। फिर मैंने इंडेक्स को रीनेम कर दिया ए बी सी से, तो अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा इंडेक्स आ गया वो आपका ए बी सी आ गया। तो ये 0 1 2 को हमने रीनेम करके क्या कर दिया, ए बी सी कर दिया। आप चाहते तो 1 1 2 2 3 3 को भी डायरेक्ट रीनेम कर सकते थे, पर हमने पहले इसे डिलीट किया, ठीक है, डिलीट किया तो ये 0 1 2 हो गया, और उसके बाद फिर हम इसे रीनेम किए। तो इस तरह से आप इंडेक्स को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं पाइवोटिंग। पाइवोटिंग क्या होता है, एक्चुअली पाइवोटिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम अपने डेटा को एक मीनिंगफुल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर पाइवट अंडरस्कोर टेबल यूज करते हैं उसके लिए। फंक्शन कैन बी यूज टू क्रिएट ए पाइवट टेबल फ्रॉम ए डेटा फ्रेम। ए पाइवट टेबल इज ए समरी टेबल। तो पाइवट टेबल क्या करता है, एक्चुअल क्या करता है पाइवट टेबल की एक समरी टेबल की तरह होता है, वो आपका डेटा का एक समरी दिखाता है दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर कॉलम्स इन ए डेटा फ्रेम। अब क्या होता है, अगर आप किसी डेटा का समरी देख रहे हैं तो उससे क्या पता चलेगा, किसी भी दो या दो से ज्यादा कॉलम के बीच में रिलेशनशिप पता चलेगा कि किस तरह का रिलेशनशिप है दोनों कॉलम में। तो इस काम को करने के लिए यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं पाइवट टेबल, ठीक है। तो चलिए अब इसको जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले डेटा फ्रेम हमने लिया है जिसमें नेम है, फिर उनका सब्जेक्ट है, ठीक है, मैथ 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 इंग्लिश इंग्लिश, ठीक है, मतलब एलाइस और बॉब ने मैथ लिया है, चार्ली और एलाइस ने इंग्लिश लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर स्कोर इनका यहाँ पर दिया हुआ है, तो एलाइस ने यहाँ पर दो सब्जेक्ट लिया है मैथ और इंग्लिश दोनों, बॉब ने केवल मैथ लिया और चार्ली ने केवल इंग्लिश लिया है। अब हमको क्या करना है, डेटा को एक डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करना है, यहां पर नेम को तो बनाना है हमें इंडेक्स, सब्जेक्ट को बनाना है कॉलम, और उसके जो वैल्यूज होंगे वो आपका स्कोर होगा, उसका जो वैल्यूज होगा वो स्कोर होगा, ठीक है। मतलब क्या है कि इस तरह का एक टेबल बनेगा, ठीक है, ऐसा एक टेबल बनेगा, यहां जो होगा वो नेम होगा, ऊपर जो होंगे ये सब्जेक्ट होंगे, और इसके बीच में जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, स्कोर होगा, है ना, स्कोर होगा। और स्कोर का क्या होगा, यहां पर एग्रीगेट फंक्शन लगा रहे हैं मीन, ठीक है। तो यहां पर ये जो डेटा आएगा ये मीन दिखलाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका आउटपुट देखेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो डेटा एक सिंपल फॉर्मेट में था उसको एक हम मीनिंगफुल फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं जिससे बहुत कुछ इंफॉर्मेशन निकल के आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नाम था वो बन गया आपका इंडेक्स एलाइस बॉब चार्ली,
ठीक है। और यहां पर सब्जेक्ट जो बन गया वो कॉलम। अब यहां पर देखिए केवल दो ही सब्जेक्ट था, मैथ और इंग्लिश, तो यहां पर देखिए इसने केवल इंग्लिश और मैथ एक बार लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या है, एलाइस का इंग्लिश कितने बार था, एलाइस का इंग्लिश एक ही बार था, और इसमें इसके कितने मार्क्स है, 85, तो 85 दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद एलाइस का क्या था, मैथ था, तो एलाइस का मैथ में कितने नंबर है, 80 है, तो 80 दिखा रहा है। तो देख रहे हैं ना कि ये टेबल कितना मीनिंगफुल है। बॉब का इंग्लिश है, नहीं है, बॉब का इंग्लिश नहीं है, ठीक है, क्लियर इससे पता चल रहा है। यहां पर इतना डेटा आपको देखने की जरूरत नहीं है, यहां तो क्या है, थोड़ा सा डेटा है तो आप तुरंत देख ले रहे हैं, पर ये डेटा अगर लाखों में होगा तो आप कैसे पता करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप डेटा देखते रहेंगे, पर ये समरी टेबल आपको बहुत कुछ बता देगा, ठीक है। अब यहां पर बॉब ने मैथ लिया है, तो देखिए बॉब ने मैथ लिया है और इसमें इसका स्कोर है 70, तो ये दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं चार्ली में, तो चार्ली का देखिए इंग्लिश में 90 है, तो 90 यहां पर आ रहा है, पर चार्ली का मैथ नहीं, तो मैथ में यहां पर आ रहा है NA। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसने क्या किया, ये पूरा डेटा का एक समरी बता दिया। अब सोचिए यहां पर ये चार डेटा के जगह 4000 डेटा होता, तो इसको देख के आराम से आप पता कर लेते कि किस स्टूडेंट का किस सब्जेक्ट में, ठीक है, कितने मार्क्स आए हैं और एवरेज कितना है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मीन फंक्शन लगा के एवरेज निकाल रहे हैं, पर यहां पर चूंकि सभी का सब्जेक्ट केवल एक एक बार आ रहा है, इसीलिए यहां पर जरूरत नहीं पड़ रहा है मीन का, मतलब वही वैल्यू आ रहा है जो है। अब यहां पर चलिए थोड़ा सा हम चेंज करते हैं मीन को दिखलाने के लिए, यहां पर क्या कर लेते हैं, फिर से बॉब को ले लेते हैं, है ना, दोबारा, और बॉब का यहां मैथ था तो यहां पर हम मैथ लिख देते हैं, ठीक है, बॉब को फिर से मैथ दे देते हैं और यहां पर लगा देते हैं 90। अब हम इसे रन करते हैं, अब देखिए यहां पर मीन काम कर रहा है, कैसे पता चलेगा, बॉब का मैथ में 90 है और यहां बॉब का मैथ में 70 है, तो 90 और 70 160, एवरेज क्या हुआ 80, तो यहां पर देखिए बॉब का मैथ में 80 है, तो इसने मीन निकाल दिया, और बाकी तो एक एक ही नंबर है इसलिए वही सेम नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पाइवोटिंग कर सकते हैं। अब अगर आप पाइवोटिंग यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको लॉजिक भी लगाना पड़ेगा, अपना कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा कि किसको आपको इंडेक्स बनाना है, किसको एज ए कॉलम यूज करना है, किस डेटा को आपको एज ए वैल्यूज लेना है, ठीक है, ये सारा डिसीजन आपका होगा। जनरली वैल्यूज में हम उसको लेते हैं जिसमें न्यूमरिकल वैल्यूज है, और कॉलम में जनरली हम लोग उन कॉलम्स को लेते हैं जैसे सब्जेक्ट है या फिर डेजिनेशन है, ठीक है, या फिर सिटी है, इस तरह के चीज़ों को जनरली हम लोग जो है कॉलम्स में लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि डेटा फ्रेम में कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, और सभी ऑपरेशंस को हम लोगों ने प्रैक्टिकली करके देखा। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे जितने भी मेरे नए वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।